स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें से देख सकते हैं। अच्छी कंपनियों के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और जो बुरे स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। तो देखते रहिए हमारा चैनल। आज हम एक न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में ही बताया कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं अमित भाई शाह, तो उनके बारे में न्यूज़ जब पता मुझे इकोनॉमिक स्टैंड में पढ़ने का मौका मिला, तो जो उनके शेयर्स हैं, जो उनका पोर्टफोलियो है, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो चलिए न्यूज़ में पढ़ देता हूँ, आप लोग भी देखिए कि क्या उन्होंने किस प्रकार के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए। तो न्यूज़ की यहाँ शुरुआत करता हूँ। बीजेपीज अमित शाह हैज़ डाइवर्सिफाइड स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, राहुल गांधी प्रिफर्स म्यूचुअल फंड्स। तो राहुल गांधी जी ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और अमित भाई शाह जी ने डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाए। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह हु वॉज स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन, तो पहले ये जो है स्टॉक ब्रोकर ही थे, और बिफोर जंपिंग इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, राजनीति में आने से पहले वो स्टॉक ब्रोकर थे, वॉन्स हंड्रेड्स ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड स्टॉक्स, की अमंग देम बीइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज ऑटो, कोलगेट पॉलमोलिव, ग्राजिम, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस एंड अल्ट्राटेक सीमेंट अमंग अदर्स। हिज एफिडेविट filled with the Election Commission of India as part of his nomination papers for the Gandhinagar Lok Sabha seat shows Amit Anil Chandra Shah held listed shares worth ₹17.56 crore, मतलब 17 crore 56 lakh as of March 22, 2019. Unlike his opponent through Dev, Rahul Gandhi, President of Congress Party, has equity exposure mainly through mutual funds. His affidavit for The way on constituency, Wayanad constituency shows his investment are in mutual funds only instead of directly holding stocks. तो इन्होंने जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। Shah also has exposure of ₹3.08 lakh worth of unlisted shares. His wife holds listed shares worth ₹4.35 crore. And unlisted shares worth ₹1.58 lakh. Overall, his net worth stands at ₹30.49 crore, while his wife Sonal Ben Shah has assets worth ₹8.35 crore. उनकी धर्मपत्नी जी ने भी काफ़ी स्टॉक्स ले रखे हैं, जो वर्थ है 8 crore 35 lakh के आसपास, जो असेट्स है पूरी। Shah has a widely diversified stock portfolio comprising mostly mid-cap stocks, though he also has substantial exposure to large-cap plays like SBI, State Bank of India, Tata Consultancy, Reliance Industries Limited, Tata Motors, Nestle, L&T, Maruti, Hindalco, ITC, Hindustan Unilever Limited, and many others. His wife's stock portfolio is equally diversified, comprising many stocks common with her husband, with very few new names. Amit Shah's portfolio does not include any shares of Adani Group companies. अब देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि जो अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, उनके एक भी स्टॉक इनके पास नहीं है। डज नॉट इंक्लूड एनी शेयर्स ऑफ द अदानी ग्रुप कंपनीज। ही ऑन्स जस्ट ओवर ₹1 lakh वर्थ ऑफ शेयर्स इन रिलायंस कम्युनिकेशन। अच्छा, रिलायंस आरकॉम का तो अभी आपने सुना ही होगा कि अनिल अंबानी साहब को अभी जेल जाने से उनके बड़े भाई ने जो है बचाया कर्जा दे के, जो तो चूँकि कंपनी दिवालिया हो चुकी है आरकॉम, और आज उसका स्टॉक प्राइस बहुत, यहाँ पे उनको ज़बरदस्त घाटा हुआ होगा। तो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ओन्ड बाय अनिल अंबानी। राहुल गांधी हैज़ इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹5.19 crore 5 crore 19 lakh इन 10 म्यूचुअल फंड्स की, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगा रखे अमंग अदर मूवेबल एसेट्स। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों को शायद डिफरेंस ना मालूम हो कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि जो शेयर्स में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका डीमैट अकाउंट होता है या किसी ब्रोकिंग एजेंसी में आपका
डीमेट अकाउंट होता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कोई भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, शेयर्स में लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियाँ होती हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो आपसे पैसा लेके फिर वो अपना पोर्टफोलियो में वो अलग अलग कंपनीज़ में पैसे वही वो भी इक्विटी मार्केट में ही लगाते हैं और आपको उस हिसाब से रिटर्न देते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, आप नहीं। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने आपका पैसा किन किन इक्विटीज़ या किस किन कंपनीज़ में लगाया है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि अगर आपको इतना शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे और जो फंड मैनेजर हैं वो आपके पैसे को लगा लगा के आपको अच्छा रिटर्न मिलता देते रहें। तो ये हो गई डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स। अमंग अदर मूवेबल एसेट्स, गांधी हैज़ आर एस 40,000 इन कैश एंड बाकी ये तो खैर 17 लाख इन बैंक सेविंग अकाउंट, 39 लाख इन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड 2.91 लाख वर्थ ऑफ ज्वेलरी, टेकिंग द टोटल वर्थ ऑफ मूवेबल एसेट्स टू 5.80 करोड़। हिज इमूवेबल एसेट्स आर वर्थ आर एस 10.08 करोड़ एंड लाइबिलिटीज अमाउंटेड ऑन 72.1 लाख। तो ये न्यूज़ रही तो हम बता देते हैं कि मेनली हमारा ये कहने का तात्पर्य था कि जब ये न्यूज़ मुझे पता चली है इकोनॉमिक टाइम्स में तो आज की ही न्यूज़ है। देखिए डेट भी ये यहाँ पे आज की है 7 अप्रैल 2019 और ये तो हमें इसलिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगी कि भाई चूँकि अब स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपने मैं सब्सक्राइबर्स को भी बताता रहता हूँ कौन से स्टॉक लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए। तो अमित शाह साहब तो पहले ही स्टॉक में ब्रोकर ही थे तो उनको काफ़ी नॉलेज भी है, लेकिन उन्होंने देखिए यहाँ पर दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स ले रखे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये भी अच्छी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस प्रकार से जैसे HUL हिंदुस्तान, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, और ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारी कंपनियों में फ़ायदा ही हुआ, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन में उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। अच्छा SBI जैसी कंपनी होती है क्या कि इनका ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, क्योंकि PSU गवर्नमेंट बैंक है तो SBI में होता क्या है कि इनका NPA थोड़ा सा बढ़ा ही रहता है। आप जैसे देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे लेके भी नदारद हो जाते हैं तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा रिटर्न उस हिसाब से नहीं दे पाती। तो ये है, तो आज हम एक्चुअली आरकॉम का भी एक बार देख लेते हैं चार्ट। देखिए आरकॉम एक ज़माने में जब यहाँ पे 844 का हुआ करती थी जनवरी 2008 में, और आज देखिए इसका प्राइस जो करंट प्राइस है मैं बता देता हूँ 3.27 रुपये। तो जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा लगातार गिरावट ही गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, तो इसने तो जो है बहुत ही नुकसान कराया है ना। तो यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा दोस्तों। तो चलिए आपने आज अमित भाई साहब का पोर्टफोलियो देखा, मुझे लगा कि अगर कोई आपको कुछ कहना हो कि उन्होंने कौन से शेयर सही लिए कौन से नहीं लिए ठीक है, या कुछ और भी आपको बताना चाहें आप उनके स्टॉक्स के बारे में, मैंने फिर से पढ़ देता हूँ यहाँ पे। देखिए SBI, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स भी अभी काफ़ी लो पे है, नेस्ले, L&T, मारुति, हिंडालको, ITC, HUL, बहुत सारे उन जितने डाइवर्सर डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियाँ ऑटो में भी हैं, बैंकिंग में भी हैं, है ना। और तो FMCG भी कंपनी है, ITC और ऑटो की मारुति, तो डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स हैं। आपको कुछ कहना हो कि कौन सा स्टॉक्स इन्होंने गलत चुना था या कौन सा इन्होंने अच्छा चुना था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।